Yes friends, now let us see your question number 15. The beta coefficient of Target Limited is 1.4. Company has been maintaining 8% rate of growth in dividend and earnings. The last dividend paid was rupees 4 per share. The return on government security is 10%, while the return on market portfolio is 15%. The current market price of one share of Target Limited is 36 rupees 36. What will be the equilibrium price per share of Target Limited? Would you advise purchasing the share? Okay, अब देखो इस क्वेश्चन में ना आपके पास पहले तो बीटा कोफिशियंट भी गिवन है. जैसे मैंने आपको बताया था कि बीटा कोफिशियंट क्या करता है, जैसे हम लेवरेज से रिस्क मेजर करते हैं वैसे ही बीटा से हम सिस्टमेटिक रिस्क मेजर करते हैं कंपनीज की. और यहां पर अब कंपनी का ये बता रखा है आपको कि मेंटेनिंग 8% रेट ऑफ ग्रोथ इन डिविडेंड एंड अर्निंग, मतलब आपके पास जी गिवन है. द लास्ट डिविडेंड पेड वॉज 4 पर शेयर, तो आई बिलीव ये लास्ट डिविडेंड है, मतलब डी जीरो है. द रिटर्न ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज 10%, वाइल द रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो इज 15%. करंट मार्केट प्राइस ऑफ द वन शेयर ऑफ टारगेट लिमिटेड इज 36. वॉट विल बी द इक्विलिब्रियम प्राइस पर शेयर ऑफ टारगेट लिमिटेड? अब हमसे इक्विलिब्रियम प्राइस पूछा है. तो याद है जब मैंने आपको केई के फॉर्मूले पढ़ाए थे तब आपको एक गॉर्डन्स फॉर्मूला पढ़ाया था, दैट पी जीरो इक्वल्स टू केई अपॉन, सॉरी पी जीरो इक्वल्स टू डी वन अपॉन केई माइनस जी. बट वो फॉर्मूला जब ही एप्लीकेबल था जब आपका केई ज्यादा होगा जी से, ये बात समझाई थी. तो यहां पर पहले हम इक्विलिब्रियम प्राइस वो फॉर्मूले से निकालेंगे, बट उसके लिए हमको पहले के ई चाहिए. वो के ई हम इस वाले क्वेश्चन में जहां पर भी बीटा होता है ना, तो उस वाले क्वेश्चन में हम के ई निकाल सकते हैं बाय योर सी ए पी एम अप्रोच, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल अप्रोच, जहां पर के ई का फॉर्मूला होता है आई आर एफ, इंटरेस्ट ऑन रिस्क फ्री सिक्योरिटीज, प्लस ब्रैकेट में आर एम माइनस आई आर एफ और ब्रैकेट क्लोज और मल्टीप्लाइड बाय बीटा. तो दैट इज वॉट यू विल डू फर्स्ट टू कैलकुलेट के ई इन दिस क्वेश्चन. तो 15 और माइनस 10 विल गिव यू 5, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 विल गिव यू 7, और 10% हमारे पास रिस्क फ्री रेट का इंटरेस्ट है, सही. तो 10 प्लस 7 17% आपका के ई आ गया. अब आपका डी 1 हो जाएगा 4 इंटू 8%, तो 4.32, तो 4.32 डिवाइडेड बाय के ई इज 17 माइनस 8% इज योर जी, तो 17 माइनस 8 विल बी 9. तो व्हेन यू विल सॉल्व दिस 4.32 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 9% कर देंगे ना हम ये, क्योंकि 4.32 डिवाइडेड बाय 9% हो जाएगा ना, तो आपके पास देखो 48 रुपीज आपका इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया क्वेश्चन का. What will be the equilibrium price per share of Target Limited? So that is what we got. पहले मैंने CAPM approach से KE निकाला. तो KE क्या होता है? 10% IRF plus RM minus IRF. यानी 15 minus 10, 5 into 1.4. तो 5 into 1.4, 7 हो गया. Plus 10 करा तो 17 आ गया. फिर मैंने Gordon's formula लगाया कि your P0 equals to then I have applied Gordon's formula. और Gordon's formula क्या होता है? P0 equals to D1 upon KE minus G. तो D1 मैंने 4 का 8% करके D0 में growth add करा तो 4.32 आ गया G. और sorry D1 फिर 17% KE था ही सही, minus G मेरा 8% करा तो 4.32 divided by 9% 48 rupees की मेरी equilibrium price आ गई. अब question बोल रहा है would you advise purchasing the share? तो अभी जो question market price चल रहा है वो 36 चल रहा है, बल्कि हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस होनी चाहिए 48. तो हमारे हिसाब से किसी शेयर की प्राइस होनी चाहिए 48, बट वो मार्केट में अभी चीपर 36 रुपीज पे मिल रहा है, तो आप परचेस करोगे क्या? यस ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू परचेज इट, क्योंकि हमें पता है इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ शेयर की 48 आनी चाहिए और अभी वो 36 चीपर ही मिल रहा है, तो वी आर गोइंग टू परचेज दैट शेयर. लेट अस सी द आंसर. यस, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हम देख लेते हैं. यस yes. तो पहले हमने CAPM अप्रोच से IRF RM माइनस IRF इनटू बीटा करके 17% निकाला, फिर कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस हमने P0 इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस G करा और हमारे पास 48 आ गया. करंट मार्केट प्राइस 36 गिवन है, तो करंट मार्केट प्राइस लेसर है, इसलिए हमें वो शेयर को
परचेज कर लेना चाहिए। चलो तो दैट वॉज योर क्वेश्चन नंबर 15। आफ्टर दिस नाउ वी विल सी योर क्वेश्चन नंबर 18। यस, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन नंबर 18 नाउ। एबीसी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बुक वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर। इक्विटी शेयर 150 मिलियन शेयर्स, 10 रुपीज ईच का, 1500 मिलियन आपको रुपीज दे रखा है। यस, उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस आपको 2250 मिलियन दे रखे हैं। 10.5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 मिलियन शेयर्स ऑफ 100 रुपीज, 100 मिलियन। 9.5% डिबेंचर्स, 1.5 मिलियन डिबेंचर्स ऑफ 100,000, 1500 मिलियन। और 8.5 टर्म लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, 500 मिलियन। द डिबेंचर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड आर रिडीमेबल आफ्टर 3 इयर्स एंड आर कोटिंग एट रुपीज 981.05 पर डिबेंचर। द एप्लीकेबल इनकम टैक्स रेट फॉर द कंपनी इज 35%। करंट मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर इज रुपीज 60। द प्रिवेलिंग डिफॉल्ट रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट ऑन 10 ईयर गवर्नमेंट ट्रेजरी बॉन्ड्स इज 5.5। द एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम, मार्केट रिस्क प्रीमियम का मतलब होता है आरएम माइनस आईआरएफ, वो आपका 8% है। द बीटा ऑफ द कंपनी इज 1.1875। द प्रेफर्ड स्टॉक ऑफ द कंपनी इज रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स एंड इज करंटली सेलिंग एट रुपीज 98.15 पर प्रेफरेंस शेयर। रिक्वायर्ड पार्ट, कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स। ओके, अब आपको अगेन डब्ल्यूएसीसी बोला है मार्केट वैल्यू वेट्स के लिए, तो पहले आपको स्पेसिफिक कॉस्ट निकालना है और फिर आपको मार्केट वैल्यू निकालनी है। तो आई बिलीव आप जब मार्केट वैल्यू लोगे तो ये 1500 मिलियन या ये डायरेक्टली 150 मिलियन शेयर्स दे रखे हैं। 150 मिलियन शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय इसका मार्केट प्राइस चल रहा है 60 से, तो 150 इंटू 60 कर देंगे। वेट्स के लिए बता रहा हूं मैं, तो आपको स्पेसिफिक कॉस्ट आपको निकालना आता है। इसमें सीएपीएम अप्रोच लगेगा फ्रेंड्स, क्योंकि जब भी बीटा हो जाए और मार्केट रिस्क प्रीमियम आ गया तो सीएपीएम अप्रोच से आप के ही निकाल दोगे। चलो मैं आपको पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करवा देता हूं। ओके, तो पहले हम इसमें के ही निकाल लेते हैं। व्हेन यू विल कैलकुलेट के ही, तो 5.5 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 1.1875 कर दोगे आप, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट यू विल डू, 8 मल्टीप्लाइड बाय 1.1875, 9.5 प्लस 5.5, तो 15 आपका के ही आ गया सीएपीएम अप्रोच से फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद अब हमें के ही निकाल दिया ना, अब हम क्या निकाल सकते हैं, तो आई बिलीव अब देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बाद रिजर्व एंड सरप्लस निकालना नहीं है, प्रेफर्ड स्टॉक का निकाल लेते हैं अब हम, राइट। तो अब प्रेफर्ड स्टॉक की बात करेंगे, तो प्रेफर्ड स्टॉक जो रिडीमेबल 5 ईयर्स है करंटली सेलिंग एट 98.5 पर प्रेफरेंस शेयर, और प्रेफर्ड स्टॉक 10.5 था 100 रुपीज का, तो मैं बोल सकता हूं एक प्रेफरेंस शेयर के ऊपर डिविडेंड आ जाएगा 10.5, ठीक है। ये तो इसका डिविडेंड हो गया। अब इसमें हमें प्लस करना है 10.5 में, मगर वो प्लस करना है 100 माइनस 98.15, 100 माइनस 98.15, 1.85 डिवाइडेड बाय, ये कितने ईयर्स के लिए है फ्रेंड्स, तो हमारा ये 5 ईयर्स के लिए, तो डिवाइड बाय 5, तो 0.37 प्लस 10.5 इज इक्वल टू 10.87, तो आ गया न्यूमरेटर का, और डिनोमिनेटर का जगह 100 प्लस 98.15 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट इज 99.075, तो 10.87 डिवाइडेड बाय 99.075, यही था ना, हाँ। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10.97%, दैट इज व्हाट यू हैव कैलकुलेट फॉर प्रेफरेंस शेयर्स। अब हम बात करेंगे इसमें प्रेफरेंस शेयर्स के बाद, नाउ वी विल टॉक अबाउट डिबेंचर्स की। तो डिबेंचर्स जो है वो नाइस, सो अब हम इसका डेट का भी निकाल लेते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के बाद। तो व्हेन यू विल कैलकुलेट फॉर डिबेंचर्स नाउ, तो डिबेंचर्स 9.5 डिबेंचर्स हैं, 1000 रुपीज पर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो 1000 इंटू 9.5 करेंगे हम, 9.5%, तो 95 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो 95 मल्टीप्लाइड बाय 0.65 विल गिव यू 61.75, और इसमें हम प्लस कर देंगे 61.75 में 61.75, अब हमारे पास 1000 माइनस कितना करना है हमको, 981.05,
18.95 डिवाइडेड बाय 3 विल गिव यू 6.31, जो भी आ रहा है इसमें हम प्लस कर लेंगे 61.75, तो हमारे पास ये 68.066 का जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 68.066, ये तो न्यूमरेटर हो गया। अब हम डिनोमिनेटर में क्या लेंगे, तो 1000 + 981.05 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू 990.525, तो आपके पास हो जाएगा 68.066666 डिवाइडेड बाय 990.525, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग इनटू 100, तो आपका 6.87% आपका कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स भी आ गया फ्रेंड्स। अब हम चेक करेंगे आपका 8.5% टर्म लोन्स के लिए, तो इसमें कुछ गिवन नहीं है, तो आप 100 का ले सकते हो या पूरा 500 का ले लो, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूं इसको 8.5 × 0.65, तो 5.525 मेरा ये कॉस्ट ऑफ टर्म लोन्स भी आ गया। तो मैंने चारों के लिए निकाल लिया, अब हम इसको चेक कर लेते पहले स्पेसिफिक कॉस्ट को कि जो हमने निकाला वो करेक्ट है क्या। तो हम पहले आपका इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स तो देख ही चुके हैं, और ये भी चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो केडी का जब आप देख रहे हो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, तो I1 - T ये फॉर्मूला लगाया 95 दिस एंड वी आर गेटिंग 6.87% ओनली। यही आ रहा था ना हमारा भी, इसको आप चेक करना है 981.05 की जगह या तो 981.5 होना चाहिए वो, क्या एक मिनट मैं आपको चेक करके बता देता हूं, ये इट शुड बी योर क्वेश्चन नंबर 18 का है ना, 981.05 ही है फ्रेंड्स, वो 981.05 ही लेना तो आपका एक करेक्ट आ जाएगा, और कॉस्ट ऑफ टर्म लोन्स 5.525 आ रहा है। ठीक है, तो ये करने के बाद अब हम WACC निकालेंगे। तो व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट WACC इन दिस क्वेश्चन नाउ, तो आप पहले क्या करोगे, 150 million × 60 इक्विटी शेयर्स के लिए, फिर हमको रिजर्व्स एंड सरप्लस तो लेना नहीं है, और ये 1 million शेयर्स हैं, तो यानी 10 lakh शेयर्स होते हैं ये, 1 million का मतलब 10 lakh, तो 10 lakh शेयर्स इंटू 98.15, और फिर 9.5 डिबेंचर के लिए 1.5 million है ना, 1 मिलियन का मतलब अगेन 10 लाख से, तो 1.5 मतलब 15 लाख हो गए, 15 लाख डिबेंचर्स इनटू 981.05 कर दोगे आप। ठीक है, और टर्म लोन तो यही रहेगा 500 मिलियन का ही, तो ऐसे आप ऐसे करके आप ये टोटल इसका वैल्यू निकाल लोगे, मार्केट वैल्यू, ये सब मिलियंस में लिख दिया इसने डायरेक्टली, तो 1 million था तो डायरेक्टली आ गया, 1.5 कर दिया और 8.5 टर्म लोन का ही आ गया, तो ये आपके पास टोटल आ गया, मार्केट वैल्यू आ गया, वेट्स निकाल लोगे, परसेंटेज आप निकाल चुके हो, WACC आपके पास आ जाएगा। नाउ वी विल सी द बी पार्ट, अब इसके बी पार्ट में क्या दे रखा है आपको, डिफाइन द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल शेड्यूल फॉर द फर्म इफ इट रेज 750 million फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछ रहे हैं। 750 million के लिए फर्म प्लान्स टू हैव अ डेट ऑफ 20% ऑफ द न्यूली रेज कैपिटल, 750 का 20% आप निकाल लोगे, आई बिलीव दैट विल बी 150 million जो कि आप डेट से करोगे। द बीटा ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट इज 1.4375, ये बीटा दे दिया आपको नए प्रोजेक्ट के लिए, तो आप न्यू के ही निकाल लोगे। द डेट कैपिटल विल बी रेज थ्रू द टर्म लोन्स, इट विल कैरी द इंटरेस्ट ऑफ 9.5% फॉर द फर्स्ट 100 million एंड 10% फॉर द नेक्स्ट 50 million, तो 150 million टोटल जो थी उसमें से 9.5 फॉर द फर्स्ट 100 million आ गई और 10% फॉर द नेक्स्ट 50 million आ गई। तो अब आपको इसमें करना है, तो पहले तो आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालोगे, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इस बार 8 × 1.4375 + 5.5 कर दोगे तो के ही आ जाएगा, और जब हमें डेट के लिए निकालना है तो इस बार एवरेज निकालोगे आप, तो एवरेज कैसे निकालोगे, 100 का तो 9.5 और 50 का 10, तो 9.5 + 10 + 5 विल गिव यू 9.5 + 5 विल गिव यू 14.5 ना, 9.5 + 5 will give you 14.5 × 0.65,
इज इक्वल्स टू 9.425 आपका एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगा मार्जिनल वाले के लिए। अरे मैंने 100 ही ले लिया, सो सॉरी, दैट इज 14.5 इंटू, हाँ वो तो ठीक था, एक मिनट फ्रेंड्स, 14.5 इंटू 0.65 तो करा आपने, 9.425 आया, डिवाइडेड बाय 150 होना चाहिए ना, हाँ बस 150 होगा वो इंटू 100, अच्छा वो हमने चेक कर लिया, तो दैट विल बी योर 6.28, यस। एंड रिवाइज के ही तो मैंने जैसे बताया आपको 8 इंटू 1.4375 प्लस 5.5 ये आ जाएगा। फिर आप इसका शेड्यूल बना लोगे, तो शेड्यूल तो आप एज इट इज बनाओगे, इसमें मार्केट वैल्यू वेट्स नहीं लेते, तो 750 का 150 और 600 ले लिया, 0.8 0.2 आ गया, वेट्स उल्टे लिख दिए इसने, इक्विटी में 0.8 आएगा और इसमें 0.2 आएगा, फिर आप मल्टीप्लाई कर दोगे एंड देन यू विल बी गेटिंग द डब्ल्यूसीसी ऑफ 14.86। हाँ ये मल्टीप्लाई सही करा होगा, चेक कर रहे ना आप, तो दैट इज व्हाट यू विल गेट। तो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 18। नाउ वी विल सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है फ्रेंड्स आपको, क्वेश्चन नंबर 16 में बताया है वाई लिमिटेड रिटेन 7,50,000 आउट ऑफ इट्स करंट अर्निंग, ठीक है, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स इफ दे हैव इन्वेस्टेड द फंड्स एल्सवेयर इज 10%, द ब्रोकरेज इज 3% एंड द शेयर होल्डर्स कम्स इन 30% टैक्स ब्रैकेट, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। अब देखो फ्रेंड्स क्या होता है ना, मैंने आपको कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स पढ़ाते टाइम ये वाली बात समझाई थी कि कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स का मतलब होता है बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो शेयर होल्डर्स अगर कहीं और इन्वेस्ट करते और वो अर्न करते तो जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं वही तो हमें, हमसे रिटेन अर्निंग्स के लिए कॉस्ट मानी जाएगी, तो वो कभी हमें कैलकुलेट करना है तो हम इस क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास 7,50,000 थे करंट अर्निंग्स के, ये रिटेन अर्निंग्स हो गया, अगर शेयर होल्डर इसको कहीं और इन्वेस्ट करते तो उनको 10% रिटर्न मिलता है, इसका मतलब वो 75,000 रुपए इसमें से अर्न कर पाते, 75,000 जब वो अर्न करते तो उसमें से वो पहले तो टैक्स देते 30% का, तो 75,000 माइनस 30% व्हेन यू विल डू तो आपके पास 52,500 बच जाएगा, तो इतना अमाउंट ही उनके पास बचता, बट जब वो हमसे 7,50,000 रुपए लेते तो उनको ब्रोकरेज देना पड़ता 3% का, तो 7,50,000 का 3% मतलब 22,500 तो उनका यही खर्चा आ जाता, तो 52,500 जो उनके पास नेट बच रहा था उसमें से 22,500 जो उनका ये खर्चा भी आता तो ये भी उनको बैर तो करना ही पड़ता ना, तो उनके पास नेट तो 30,000 रुपए बचते 52,500 माइनस 22,500 करके 7,50,000 का 3% माइनस करके, तो उनके पास नेट कितना बचता, उनके पास नेट बचता 30,000 रुपए। अब 7,50,000 रुपए जो वो हमसे ले रहे हैं उनको, उनका उसको अर्निंग जो बचती नेट हाथ में 30,000 रुपए बचती, तो 30,000 रुपए डिवाइड बाय 7,50,000 रुपए इंटू 100 कर लोगे आप तो 4% आपका आंसर आ गया, तो दैट इज योर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। अब फ्रेंड्स एक और बात इसमें नोट करने की ये है कि समटाइम्स अगर आपको पर्सनल इनकम टैक्स गिवन होगा, जैसे इस क्वेश्चन में पर्सनल इनकम टैक्स गिवन था, तो हमेशा ध्यान रखना के आर का फॉर्मूला बन जाएगा के ई 1 माइनस टीपी, टीपी का मतलब टैक्स, पर्सनल टैक्स, तो जैसे आपने जो भी के ई निकाला होगा उसमें से आप 1 माइनस टीपी भी कर दोगे तो वो आपका के आर बन जाएगा, बट इस क्वेश्चन में वो करने का जरूरत नहीं था, इस क्वेश्चन में तो आप डायरेक्टली कर पा रहे, तो अब हम इसका सॉल्यूशन चेक कर लेंगे, ये सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, यस, तो लेट अस चेक दिस सॉल्यूशन नाउ, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न जैसे मैंने बताया 30,000 तो 4% आ गया, और मैंने इसमें नोट भी दे दिया कि कभी भी आपको पर्सनल इनकम टैक्स गिवन हो तो के आर का फॉर्मूला बन जाएगा के ई 1 माइनस टीपी, वेयर टीपी इज योर पर्सनल इनकम टैक्स। चलो तो ये आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर ओवर हो गया फ्रेंड्स, इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के हैं, वो हम अब आपके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।